हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विषय विज्ञान, यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर बार परीक्षा में कहीं ना कहीं यह प्रश्न रिपीट होकर पूछे ही जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से कॉपी में आप लिख लीजिए या फिर इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। प्रश्न की तरफ चलते हैं और उनके उत्तर जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर हम इसका लिखेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे f बराबर r बाई टू। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। यह आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर लिखना है, उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। हम उत्तर लिखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर आगे प्रश्न, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तो हमने जाना कि अवतल दर्पण में किस प्रकार बनता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ के अवतल दर्पण कहना पूछ सके, आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको लिखना है, उत्तल दर्पण में आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी इसमें क्या था, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था, और उत्तल दर्पण में क्या है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका हम उत्तर लिखेंगे, उत्तल दर्पण का, क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है या फिर बनाता है। आगे प्रश्न है कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका हम आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको इन सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9892592772 पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।